दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि केओ प्लेयर के जरिए हम लोग अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स गेम को कैसे इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। तो उस वीडियो को दोस्तों अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, यानी कि अपना इतना ज्यादा प्यार दे चुके हैं, तो आप सभी का दोस्तों थैंक यू। लेकिन भाई उस वीडियो पे मुझे काफी सारे लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि भाई जब हम केओ प्लेयर चालू करते हैं या फिर केओ प्लेयर में गेम इंस्टॉल करके उसे ओपन करते हैं, चाहे वो फ्री फायर हो या फिर दूसरी कोई गेम हो, तो हमें पिंक स्क्रीन का या फिर पर्पल स्क्रीन का इशू देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे पीसी में भी देख रहे हो, वहां पे भी भाई ऐसा ही इशू मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसका 100% सॉल्यूशन देने वाला हूं। इस प्रॉब्लम को हम लाइव फिक्स करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोग सीख जाओगे कि इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियोस में आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमें भी भाइयों ये पिंक कहो या फिर पर्पल कहो ऐसा इशू हमें देखने को मिल रहा है केओ प्लेयर में। तो अभी दोस्तों हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। काफी सारे लोगों को दोस्तों केओ प्लेयर को ऑन करते ही पिंक स्क्रीन का इशू देखने को मिलता है, और मुझे तो दोस्तों फ्री फायर मैक्स को मैंने चालू करा तो मुझे भाइयों ये इशू देखने को मिला। जैसा कि मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, अभी तो मैंने क्लोज करा था लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से स्टार्ट करा, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूं। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है कि केओ प्लेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे इंस्टॉल करना है। भाइयों आप लोगों ने अगर हमारी उस वीडियो को देख के केओ प्लेयर इंस्टॉल करा होगा तो भाइयों वो वर्जन था 1.4, लेकिन अभी आप लोग देखोगे तो 2.0 वर्जन हमारे पास है। तो ये वाला वर्जन आपको भाइयों गूगल पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो केओ प्लेयर हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पर दोस्तों ये जो सबसे पहला आ रहा है इसमें आप लोग जाइए, इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये दोस्तों 1.4.1 है। ये दोस्तों काफी पुराना वर्जन है, 2018 का है। तो भाइयों जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब भाई ये वर्जन वर्क कर रहा था, किसी को कोई इशू नहीं आ रहा था, लेकिन वो वीडियो काफी पुराना हो चुका है और ये वर्जन भी दोस्तों काफी सारे पीसी में वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये वाली साइट मिलेगी जिसमें 2020 लेटेस्ट मिलेगा। आप लोगों को दोस्तों ये वाला जो वर्जन है जुलाई 31 2020-21 का 2.0 इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में, जैसा कि मैंने करा हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि हमें जाना है भाई सेटिंग में। अगर आप लोग इंस्टॉल कर लोगे फिर गेम इंस्टॉल करोगे तो दोस्तों आपको पिंक स्क्रीन का इशू देखने को मिलेगा, लेकिन एक सेटिंग करनी होती है जिसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे इस वाले मेनू पे और यहाँ पर जाएंगे हम लोग सॉफ्टवेयर सेटिंग में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें जाना है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मेमोरी हमें इतनी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप कोई एम्युलेटर यूज करो और आपके पीसी में 8 GB रैम हो, 4 GB रैम हो, 16 GB रैम हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 1600 कर देना है, 1600 MB कर देना है। और अगर आपके पीसी में भाई 4 कोर है तो 2 कोर कर दीजिए, 2 कोर है तो 1 कोर कर दीजिए। उसके बाद भाई यहाँ पर नीचे हमें देखना है ये वाला ऑप्शन रेंडिंग मोड, तो हमें दोस्तों स्पीड प्लस पे क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिकने के बाद दोस्तों रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट नाउ का हम इस पे क्लिक कर देंगे और अभी दोस्तों ये दोबारा से रिस्टार्ट होगा हमारा केओ प्लेयर, और इसके बाद दोस्तों हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगी। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, बिना स्किप करे देखते रहिए वीडियो को, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है फटाफट कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, एक लाइक तो करना बनता है, लाइक कर देना। और भाईयो लाइक में अभी एक कमाल का फीचर आया है, आप लाइक पे क्लिक करोगे तो आपको भाईयो गुब्बारे ऐसा कुछ उड़ता हुआ दिखेगा, यानी कि लाइक का भाई एनिमेशन चेंज हो गया है, पहले केवल ब्लू होता था लेकिन अभी भाई लाइक पॉपअप की तरह ओपन होगा, आपको देखने में मजा आएगा, लाइक करके देख लो एक बार। और अभी हमारा केओ प्लेयर भी चालू हो चुका है तो हम लोग भाई फ्री फायर मैक्स को स्टार्ट करते हैं, और अभी दोस्तों देखना हमें ये इशू देखने को नहीं मिलेगा पिंक स्क्रीन का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारी जो ग्रेना फ्री फायर है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से भाइयों आप लोग ये जो इशू है पिंक स्क्रीन का हो या फिर पर्पल स्क्रीन का हो इसे सोल्व कर सकते हो। तो इसी बात पे दोस्तों लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।